दोस्तों, इस वीडियो में लैपटॉप ऑन करने के साथ लैपटॉप में जो बीप की आवाजें आती है तो किस कारण से आती है और उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप है और इसको जब भी मैं ऑन करता हूं तो इसमें बीप की आवाज आती है और इसको स्टार्ट होने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी लैपटॉप में अगर स्टार्ट करने के साथ ही जो बहुत सारी बीप की आवाजें आती है तो क्यों आती है और उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूं। जैसे इसका ऑन पावर बटन है, मैंने पावर बटन प्रेस कर दिया है, अब ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो बायस की जितने भी इन्फॉर्मेशन है सभी दिख रही है। लैपटॉप ऑन होने के बाद यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो सभी बायस का इन्फॉर्मेशन है। तो बायस का इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अब हम कीबोर्ड से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको हम ओके करना चाहते हैं तो ओके करने के लिए हमें इंटर को प्रेस करना है। लेकिन इंटर प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन काम नहीं कर रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऑप्शन काम नहीं कर रही है। तो इसमें मैं एक एक्सटर्नल कीबोर्ड जोड़ के इसको ऑन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे मेरे पास एक एक्सटर्नल कीबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको चलाने की ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो इसमें लाइट आ चुका है। तो अब मैं इस कीबोर्ड को यूज करके इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आप देख सकते, चलिए स्टार्ट विंडोज नॉर्मली इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह की आवाजें आ रही है कीबोर्ड से, इस तरह की आवाज लैपटॉप ऑन होने के साथ इस तरह की साउंड आ रही है और लैपटॉप की स्क्रीन में भी कुछ नहीं दिख रही है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी लैपटॉप में बहुत ज्यादा देखे जाने वाली प्रॉब्लम में से आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे विंडोज ओपन नहीं हो रही है और इस तरह की आवाज आ रही है, आप जो सुन सकते हो एक बीप की, कंटिन्यू बीप की आवाजें आ रही है और हमारा जो स्क्रीन है वो भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिख रही है वो मुझे लगता है इसका जो कीबोर्ड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम इसका जो कीबोर्ड है उसको निकाल के और फिर इसको चेक करके एक बार देखते हैं। लैपटॉप को ऑफ कर देते हैं और इसका जो कीबोर्ड है उसको निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो कीबोर्ड है उसको निकालने के लिए हम कीबोर्ड के अंदर कुछ पीछे से यहाँ पे कुछ बैक साइड से कीबोर्ड को स्क्रू के हेल्प से इसको अटैच किया गया होता है। तो हमें इसका जो बैक कवर है उसको निकालना होगा पहले। तो बैक कवर निकालने के लिए यहाँ पे जो स्क्रू था उसको मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब मैं इसका जो बैटरी है उसको निकाल देता हूँ और बैटरी निकालने के बाद इसका स्क्रू जो यहाँ पे था उसको मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो अब इसको, इसका जो कवर है उसको मैं इस तरह से निकाल लेता हूँ। कवर निकल चुका है, अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप के अंदर की जितने भी पार्ट्स है आप देख सकते हो। यहाँ पे फैन है, यहाँ पे ये रैम है। तो हमें, तो दोस्तों अब हमें लैपटॉप का कीबोर्ड निकालना है। तो कीबोर्ड निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्क्रू, यहाँ पे कुछ स्क्रू इस तरह से स्क्रू, यहाँ बहुत सारे स्क्रू यहाँ पे दिया गया है। तो सभी स्क्रू को नहीं खोलना है हमें, कीबोर्ड निकालने के लिए जो कीबोर्ड से रिलेटेड है उसी स्क्रू को खोलना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कीबोर्ड का सिंबल बनाया हुआ है, यहाँ पे एक सिंबल है और फिर इसी तरह का सिंबल देखते हैं और कहाँ पे, और इसी तरह का सिंबल, और दोस्तों यहाँ पे भी एक कीबोर्ड का सिंबल आप देख सकते हो, एक यहाँ पे और यहाँ, एक यहाँ पे और एक इसी तरह का सिंबल यहाँ पे भी है। तो ये तीन स्क्रू को खोलने के बाद हम कीबोर्ड को निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ही तीनों स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। तीनों स्क्रू को ओपन करने के बाद जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उसको हम निकाल सकते हैं। पहले मैं इस तीनों स्क्रू को निकाल लेता हूं। तो दोस्तों, लैपटॉप का जो कीबोर्ड का जो जितने भी स्क्रू था सभी को मैंने निकाल लिया है। अब मैं कीबोर्ड को निकाल के आपको दिखाता हूं। तो कीबोर्ड को निकालने के लिए इसे फिर से आगे टर्न करना होगा। आगे टर्न करने के बाद कीबोर्ड को कहीं से स्क्रू को यूज करके इससे थोड़ी सी इस तरह से आगे ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद कीबोर्ड को निकालने के लिए हम लैपटॉप का
कीबोर्ड, तो इसको निकालने के लिए इस तरह से थोड़ी सी इसको पुल करना है कीबोर्ड को, और इसको इसमें जितने भी लॉक होती है सभी लॉक को इस तरह से प्रेस करके हमें लैपटॉप को कीबोर्ड के रिलेटेड जितने भी लॉक है सभी को थोड़ी सी इस तरह से प्रेस करना है और कीबोर्ड खुद ब खुद निकल जाएगी। तो दोस्तों कीबोर्ड निकल चुका है, आप देख सकते हो इस तरह से। कीबोर्ड निकल जाने के बाद अब इसको हम धीरे से टर्न करते हैं और इसका जो कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है कीबोर्ड का, तो उसको हम अलग कर देते हैं। इसको अलग करके इसको कीबोर्ड को निकाल देते हैं। तो कीबोर्ड मैंने अभी निकाल लिया है। कीबोर्ड निकालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ वाटर का यहाँ पे, वाटर का यहाँ पे दाग यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इस लैपटॉप में कुछ वाटर या चाय या कुछ भी लिक्विड इसमें कुछ स्पॉइल हुआ है, इसीलिए शायद कीबोर्ड शॉर्ट हो चुका है और कीबोर्ड काम नहीं कर रही है। तो मैंने कीबोर्ड को निकाल लिया है मैंने। अब मैं सिर्फ ये जो हमारा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का, था उसको मैं जोड़ के और लैपटॉप को ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद देखते हैं लैपटॉप प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। कीबोर्ड को जोड़ने के बाद अब मैं चार्जर कनेक्टर को जोड़ देता हूँ और फिर अब लैपटॉप को हम फिर से ऑन करके देखते हैं विदाउट कीबोर्ड। तो चलिए मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है, अब देखते हैं इसका वर्किंग। तो दोस्तों आप देख सकते हो कीबोर्ड को हटाने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है, मतलब अभी तक इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि इसका जो कीबोर्ड कनेक्टर है उसमें भी थोड़ी शॉर्टिंग होने का चांसेस हो सकती है। तो पहले मैं इसको थोड़ी सी क्लीन कर देता हूँ और फिर देखते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप के कीबोर्ड कनेक्टर को क्लीन करने के बाद अब हम लैपटॉप को एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं विदाउट कीबोर्ड। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड नहीं डाला है, तो बिना कीबोर्ड के ही हम लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं लैपटॉप को ऑन कर देता हूँ पहले चार्जर के साथ। चार्जर जोड़ने के बाद हम लैपटॉप को ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं जो हमारा विंडोज़ है वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली, यानी कि विंडोज़ का ऑपरेशन स्टार्ट होने शुरू होने वाला है। तो अब हम इस जो कीबोर्ड है एक्सटर्नल कीबोर्ड, इसको हम कनेक्ट करके और इसका ऑपरेशन है इसको हम नॉर्मली स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों जो बीप आ रही थी वो बिल्कुल हट चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और विंडोज भी स्टार्टिंग का प्रोसेस शुरू कर चुका है। तो दोस्तों लैपटॉप को स्टार्ट करने के साथ ही लैपटॉप में जो बीप आने का जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली कीबोर्ड के चलते होती है, यानी कि जो भी लैपटॉप का कीबोर्ड होता है उसके कारण होती है। तो दोस्तों किसी भी लैपटॉप में अगर लैपटॉप ऑन करने के साथ ही इस तरह का बीप का प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका इसमें जो कीबोर्ड होता है उसको निकाल के आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के उसको चेक कर सकते हो। अगर कीबोर्ड निकालने से भी बीप नहीं जा रही है तो आपको क्या करना है, इसका जो कीबोर्ड जोड़ने का जो कनेक्टर होता है उसको क्लीन करना है, और उसको क्लीन करने के बाद भी नहीं हो रहे तो इस कनेक्टर के साथ जितने भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं सभी को चेक करके जो भी फॉल्टी कैपेसिटर है उसको रिमूव करना है। तो इस तरह से आप कीबोर्ड फॉल्ट हो जाने के कारण जो बीप आ रही होती है लैपटॉप में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कीबोर्ड को रिप्लेस करने से पहले हम इसको एक बार हॉट गन से हीट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड स्पॉइल हो जाने के कारण ये फॉल्ट आई है। तो इसको हम एक बार हॉट गन से हीट करके देखते हैं, अगर हॉट गन से हीट करने के बाद कीबोर्ड काम करने लगी तो ठीक है, अगर काम नहीं की तो हमें नए कीबोर्ड लाके इसमें रिप्लेस करना होगा। तो हॉट गन से हीट करने के लिए हम इसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो पार्ट है वो प्लास्टिक का है, सिर्फ हमें इसको थोड़ा सा हल्का हॉट एयर देके इसको ड्राई करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हॉट गन का हमारा सेटिंग है ये टेम्परेचर को हम सिर्फ 200 मतलब टेम्परेचर को 250 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, और जो एयर है उसको फुल कर देना है। एयर को हम यहाँ पे फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद अब इसको हम ऑन करते हैं, और ऑन करने के साथ ही इसको हम एक बार ड्राई करके देखते हैं। इस तरह से इसको हमें एक बार पूरी जो कीबोर्ड है उसको हमें एक अच्छी तरह से एक बार इसको ड्राई कर लेना है हॉट एयर से। इसको हॉट एयर से हम इस तरह से ड्राई कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा देर तक हम ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लास्टिक का पार्ट है, और प्लास्टिक का पार्ट को ज़्यादा ड्राई करने से इसमें मेल्ट होने का चांसेस रहता है। तो लेकिन थोड़ी सी इसको हम हीट करते हैं, जिससे इसका जो अगर मॉइस्चर इसके अंदर कोई मॉइस्चर अगर कीबोर्ड के अंदर मॉइस्चर हो तो
ड्राई हो जाए और मॉइस्चर के चलते अगर कीबोर्ड शॉर्ट हुई हो तो सॉल्व हो जाए। इस तरह से हम इसको थोड़ी सी हल्की कुछ दोस्तों इस कीबोर्ड को हमें 1 से 2 मिनट तक इस तरह से ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है, अगर कोई लिक्विड हुई तो सूख जाएगी, और फिर अगर और मॉइस्चर के कारण अगर कीबोर्ड अगर काम नहीं कर रही होगी तो कीबोर्ड फिर से काम करने लगेगी। तो इसको इसको ड्राई हमने कर लिया है, थोड़ी सी गर्म भी है। अब हम इसको एक बार फिर से अपने लैपटॉप में यूज़ करके इसको देखते हैं। तो दोस्तों इस कीबोर्ड को ड्राई करने के बाद चलिए अब इसको लैपटॉप में कनेक्ट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कीबोर्ड काम कर रही है या नहीं कर रही है। कीबोर्ड को मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब मैं लैपटॉप को ऑन करता हूं और फिर देखते हैं कीबोर्ड के साथ लैपटॉप काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो लैपटॉप ऑन हो चुका है और देखते हैं बीप साउंड आ रही है या नहीं। तो अभी तक कोई बीप साउंड नहीं आया। तो दोस्तों आप देख सकते हो विंडोज स्टार्ट हो चुकी है इसी कीबोर्ड के साथ। तो हम बस इस कीबोर्ड को ड्राई कुछ देर ड्राई करने के साथ ही इसके अंदर शायद मॉइस्चर था, कुछ लिक्विड अभी भी बाकी था, तो उसको ड्राई मैंने कर दिया। उसको ड्राई करने के बाद अब देख सकते हो लैपटॉप ऑन हो चुका है और इसका जो बीप का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो आप कीबोर्ड का जो फॉल्ट था ऑन करने के साथ, जो इसमें बीप आ रही थी और लैपटॉप को कीबोर्ड में जो शॉर्टिंग थी उसके चलते लैपटॉप ऑन भी नहीं हो रहा था। तो लैपटॉप का जो विंडोज़ है वो भी स्टार्ट हो चुका है, कीबोर्ड का जो बीप का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो किसी भी लैपटॉप में अगर ऑन होने के साथ अगर बीप की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कंटिन्यूसली अगर ज़्यादा साउंड आ रही है, तो आपको एक बार कीबोर्ड को भी चेक कर लेना है। कीबोर्ड को निकाल के देखें, अगर कीबोर्ड निकालने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है तो या तो आप कीबोर्ड को थोड़ी सी हीट देके उसको रिपेयर की ट्राई कर सकते हो, या तो नई कीबोर्ड ला के भी आप डाल सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।